हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय दक्ष पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा श्लोक 40 से लेकर 45 तक, जहां पर विद्याधर, ब्राह्मण, गंधर्व इत्यादि सब भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भगवान विष्णु जो दक्ष के यज्ञ में आए हैं, दक्ष के यज्ञ से प्रसन्न होकर के, तो वो यज्ञ भाग लेने के लिए आए हैं भगवान विष्णु, उनको प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सो जैसे हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि भगवान विष्णु का दक्ष के यज्ञ में आना, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगर भौतिक बाह्य रूप से देखें तो दक्ष के यज्ञ से ज्यादा कलुषित और कोई जगह नहीं है, है कि नहीं? वहां पर शिवजी और सती जैसे महान वैष्णवों का अपराध हुआ, सती ने वहां पर अपना शरीर त्याग किया, वहां पर वीरभद्र ने आके दक्ष का सर कलम कर दिया, उसके बाद में शिवजी ने आकर के उसे बकरे का सर दिया, इतना ज्यादा रक्तपात हुआ, भृगु की मूछें निकाली गई, पूष भग इत्यादि के दांत वगैरह निकाले गए, आंखें निकाली गई। तो एक यज्ञ में इतना सब कुछ होने के बाद भी अंत में जब दक्ष ही बिकम्स हम्बल, वो जब नम्र हो जाते हैं और उस चेतना में वो भगवान को यज्ञ भाग अर्पण करते हैं, इतनी सब त्रुटियों के बावजूद भी भगवान आकर यज्ञ भाग स्वयं स्वीकार करते हैं। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट वी माइट बी और अ डिवोटी माइट बी गोइंग थ्रू एनी सिचुएशन, बट व्हेन अ डिवोटी बिकम्स प्रॉपरली सिचुएटेड देन कृष्णाज मर्सी कैन फ्लो एनी टाइम। किसी भी भक्त के जीवन में कहीं पर भी उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे दिस सिचुएशन इज लाइक दिस कि अभी इससे बाहर मुझे भगवान की कृपा मिलेगी ही नहीं। अगर हम दक्ष का पूरा जीवन देखें उनके मृत्यु से पहले, तो केवल दंभ और दर्प से भरा हुआ है, और भगवान इसे भगवत गीता में आसुरी संपत्ति कहते हैं। दंभ दर्प यासुरी संपत्ति है, इट इज अ डेमोनिक क्वालिटी। तो ऐसे चीजों से अभिभूत होकर के भी दक्ष के सामने भगवान आ रहे हैं, विच मीन्स दैट कृष्णाज मर्सी कैन फ्लो एट एनी टाइम प्रोवाइडेड अ डिवोटी इज इन राइट कॉन्शियसनेस। एक भक्त जब सही चेतना में आता है तो उसके पीछे का क्या है, भगवान इतने महान हैं, कृपालु हैं, उसका पूर्ववत जीवन भगवान नहीं देखते, भगवान आकर उसे कृपा देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि विच एवर वे वन इज सिचुएटेड, इन विच एवर स्टेट वन कम्स टू कृष्णा, किसी भी परिस्थिति में हम भगवान के समीप, भगवान के समक्ष आ रहे हो, चाहे हम कितने भी शुद्र पापी हो, लेकिन भगवान कहते हैं यू कम टू मी आई विल फॉरगिव यू बट सिन नो मोर, और ज्यादा पाप मत करो। श्रीमद् भगवद गीता के भी नवे अध्याय के 30 और 31वें श्लोक में हम देखते हैं, अपि चेत सुदारा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो चाहे मेरा भक्त कितने ही दुराचारी हो, लेकिन अगर वो मेरी प्रेमा भक्ति में स्थित है तो वो अपने सही गंतव्य तक पहुंच चुका है, उसको पता है कि करना क्या है। वन माइट नॉट बी एबल टू फॉलो इट बट ही नोज वॉट टू फॉलो एंड हाउ टू फॉलो। So, अगर थोड़ी श्रद्धा है, कार्य कर रहा है वो भक्ति में, पिछले संस्कारों से, संस्कृतियों से, स्वभाव से वो हतबल है,
फिर भी भगवान अपनी कृपा देंगे, प्रोवाइडेड वो भक्त विदाउट सेसेशन प्रयास करता रहता है, बिना रुके प्रयास करता रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वो भक्त धर्मात्मा बनेगा। और दक्ष जी का, दक्ष प्रजापति का ये जो यज्ञ है, ये इसका मूर्तिमंत स्वरूप है। दक्ष के सामने भगवान आए, सोचिए तो क्या दक्ष की भक्ति पर अभी कोई प्रश्न चिन्ह है? ऐसे ही किसी के सामने भगवान आते हैं क्या? सो कल तक हमने श्लोक क्रमांक 45 पर चर्चा की थी, आज श्लोक क्रमांक 46 से शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। श्लोक क्रमांक 46, ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। त्वं पुरा काम्रसाया महासूकरो दमश्त्रया पद्मिनिं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिर् व्युज्य ह्यर्थत्रयीगात्र यज्ञक्रतुः। Dear Lord, O personified Vedic knowledge, in the past millennium, long, long ago, when you appeared as the great boar incarnation, you picked up the world from the water, as an elephant picks up a lotus flower from a lake. When you vibrated transcendental sound in that gigantic form of a boar, the sound was accepted as a sacrificial hymn, and great sages like Sanaka meditated upon it and offered prayers for your glorification. तो ब्राह्मण कह रहे हैं, बहुत पहले आपने जब शुक्र का रूप लिया था, तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में दो वराहों का वर्णन है, एक है श्वेत वराह और दूसरा है रक्त वराह। सो श्वेत वराह जो है वो स्वयं भुव मनु के समय में सबसे पहले कल्प में, इस कल्प में सबसे पहले मनवंतर में, स्वयं भुव मनवंतर में, और जो रक्त वराह है वो चाक्षुष मनवंतर में। सो छठा मनवंतर है चाक्षुष मनवंतर, अभी सप्तम मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, और सबसे पहला जो मनवंतर था वो स्वयं भूम मनवंतर था। सो स्वयं भूव मनु के समय जो वराह आए वो है श्वेत वराह। वो लीला हमें बहुत डिटेल में नहीं बताती यहां पर, लेकिन हम जो लीला पढ़ते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की, वो चाक्षुष मनवंतर, इससे पहले मनवंतर की कथा है, जहां पर भगवान रक्त वराह, ही इज ब्लैकिश, ही इज कॉपर रेड, रक्त वराह, रक्त याने रेड, सो कॉपरी रेड कलर के भगवान का अंग कांति थी। श्वेत वराह, वो जो वराह देव हैं उनकी अंग कांति सफेद थी, वो स्वयं भूव मनवंतर में आए थे। उस कथा को यहाँ भागवतम में प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दक्ष के अरीना में, दक्ष के यज्ञ में ये सारे ब्राह्मण कह रहे बहुत पहले चाक्षुष मनवंतर में। इसका अर्थ है ये जो कथा आ रही है ये इसी वैवस्वत मनवंतर की ही है।
अब वैवस्वत मन्वंतर का 28वां दिव्य युग है, अर्थात दिव्य युग यानी सत्य द्वापर त्रेता कली का एक फुल साइकिल, उसको दिव्य युग कहा जाता है। अर्थात तो अभी 28वां साइकिल है, तो इससे पहले 27 युग साइकिल्स में से कहीं ना कहीं ये दक्ष उपाख्यान हुआ है जो हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। ये भी बहुत गौर करने लायक बात है कि भागवतम की जो लीलाएं हैं जिन्हें हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इसी मनवंतर की, इसी पृथ्वी की, इसी यूनिवर्स की हो, ऐसा नहीं है। वो किसी और ब्रह्मांड की भी हो सकती है, किसी और मनवंतर या दिन की हो सकती है, किसी भी समय की हो सकती है। भागवतम इज नॉट अ क्रोनोलॉजिकल लिटरेचर, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसा नहीं है। तो जब आप आए वराह देव के रूप में, आप आए और आपने जोर से दहाड़ लगाई थी, जैसे सुअर आवाज करता है वैसे आपने सुअर के रूप में आवाज की थी। वो आवाज क्या थी? वो वेद मंत्रोच्चारण के समान लगा था। सो कृष्णा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बोर यलिंग एंड कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ बोर यलिंग। सो एक साधारण सुअर जब आवाज करता है वो सुनने में कितना कर्कश लगता है, लेकिन भगवान जब सुअर के रूप में आकर के भी आवाज करते हैं, वो आवाज श्रोत्र मन अभिरामा, कर्णों के लिए और हृदय के लिए अभिराम। इट इज वेरी वेरी वंडरफुल टू हियर। श्लोक क्रमांक 47। सप्रसीद त्वमस्माकमा कांक्षताम दर्शनम ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणाम कीर्त्यमानेन्द्रभिर्नाम नियज्ञेशते यज्ञ विद्नाक्षयम यान्ति तस्मै नमः। Dear Lord, we were waiting your audience because we have been unable to perform the yajnas according to Vedic rituals. We pray to your lotus feet, therefore, to be pleased with us. Simply by chanting your holy name, one can surpass all obstacles. We offer our respectful obeisances unto you in your presence. तो ब्राह्मण कहते हैं, आपका नाम लेने से हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में बहुत सुंदर रूप से ये श्लोक आता है। अजामिल उपाख्यान में सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदुहु। तो किसी को सांकेतिक रूप में अगर कहीं बोल के हम भगवान का नाम लेते हैं, परिहास्यम हस्ते एज अ जोक हम भगवान का नाम लेते हैं, स्तोभम एज अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, हेलन किसी चीज का धिक्कार करते हुए अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, किसी भी तरीके से नाम ले रहे हो अगर भगवान का नाम लेते हैं, अशेष अघ हरम, अशेष अघ यानी पाप, अशेष पापों का नाश करता है भगवान का नाम। तो आपके नाम का उच्चारण करने से, श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक भी यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। तो क्या कहता है भागवत, अगर हम भगवान का नाम लेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का क्षय हो जाएगा। प्रणमो दुख शमनस, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके नाम को नमस्कार करता हूं, जिसके उच्चारण कर उच्चारण करने से सारे दुखों का शमन हो जाता है। तम नमामि हरिम परम, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। सो कृष्णास ग्लोरी एंड द ग्लोरी ऑफ द होली नेम, भगवान की महिमा
और भगवान नाम की महिमा, ये दोनों भागवत में बहुत सुंदर रूप से, अल्टीमेटली भागवत डिस्क्राइब्स द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। ये भागवत का मूलभूत सिद्धांत है। श्लोक क्रमांक 48, हमने देखा यहां तक हमारी सारी प्रार्थनाएं संपूर्ण हुई। सो जो जो भी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे वो सभी, सबसे पहले श्लोक क्रमांक 26 से लेके, सो फ्रॉम श्लोक 26 टू 47, 21 वर्सेस वी हैव सीन डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज ऑफरिंग प्रेयर्स टू लॉर्ड विष्णु। श्लोक क्रमांक 48 से फिर से कन्वर्सेशन शिफ्ट होता है मूल कन्वर्सेशन पे। मैत्रेय मुनि विदुर जी से बात कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्र रुद्राभिमर्षितं कीर्त्यमाने हृषीकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने। श्री मैत्रेय सेड आफ्टर लॉर्ड विष्णु वाज ग्लोरिफाइड बाय ऑल प्रेजेंट, दक्ष हिज कॉन्शियसनेस प्यूरिफाइड arranged to begin again the yajna which had been devastated by the followers of Lord Shiva. तो दक्ष का बुद्धि ठिकाने पे आई, नम्र बन गए, फिर से यज्ञ कंटिन्यू हो रहा है। श्लोक क्रमांक 49, भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रियमान इवान घ। मैत्रेय मुनि कंटिन्यूड, माय डियर सिनलेस विदुरा, लॉर्ड विष्णु इज एक्चुअली द एंजॉयर ऑफ ऑल रिजल्ट्स ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, येट बिकॉज ऑफ हिज बीइंग द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज ही वाज सैटिस्फाइड सिंपली विद हिज शेयर ऑफ सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। ही देयरफॉर एड्रेस दक्ष इन अ प्लीजिंग एटीट्यूड। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान को क्या बताया, भगवान खुद क्या बोलते हैं, तो भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे यज्ञों का, सारे ऐश्वर्यों का स्वामी और भोक्ता कौन हूं, एक्चुअली मैं। तो हालांकि सारे चीज पर भगवान का आधिपत्य है, फिर भी भगवान अपना पोर्शन लेकर के खुश हैं, संतुष्ट हैं। So, हम देखते हैं, दिस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ समवन हु इज अ साधु और समवन हु इज अ डिवोटी। वो अपना चीज लेकर के दूसरों के ऊपर कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं डालता। ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक भी हमें यही बताता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां हृदय कस्य स्विद्धनम्। सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, जो कुछ भी है सब भगवान का है, कुछ भी हमारा नहीं है एक्चुअली। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यक्त रूप से, त्यक्त अर्थात छोड़ देना। सो विद ग्रेट डिटैचमेंट वन शुड एक्सेप्ट इट, विद ग्रेट डिटैचमेंट वन शुड एक्सेप्ट। This consciousness is called Krishna consciousness. हमारे जीवन में जो भोग ऐश्वर्य ये सब हमारे कर्मों के कारण आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इन सब का भोक्ता कौन है, भगवान है। सो इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, करेक्ट कॉन्शियसनेस इज नोइंग दैट आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम नॉट द मास्टर, आई एम नॉट द प्रोप्राइटर, कौन है, भगवान है। So, हम देखते हैं कि दिस इज हाउ कृष्णा इज सैटिस्फाइड। तो भगवान अपना शेयर लेके संतुष्ट हैं। एक भक्त भी अपने जीवन में भगवान की कृपा से जो कुछ भी आता है उससे वो संतुष्ट रहता है, और वो अपने लिए नहीं कार्य करता, वो जनसामान्य के लिए कार्य करता है। ही वर्क्स फॉर अदर्स। इसका सुंदर उदाहरण हमें श्रीमद् भगवद गीता में षष्ठ अध्याय में भगवान खुद देते हैं। वे कहते हैं हु इज अ साधु, साधु कौन है, साधु अर्थात सर्वभूत हितेरताः।
जो सभी के हित के लिए कार्य कर रहा है वो साधु है। यूजुअली हम हमारा कंसेप्ट क्या होता है, मैं किसके लिए कार्य करता हूं, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, इनके लिए मैं अपने लिए नहीं कार्य करूं तो बाकी सब जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कार्य करूंगा। दिस इज स्टिल सेल्फिशनेस। साधु कौन है? सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत, भूत यानी जीवात्मे, हिते हित के लिए, वो अपने या एक दूसरे के लिए नहीं, वो सबके हित के लिए कार्य करता है। और सभी का हित, द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन एवरीबडीज हित इज एवरीबडी बिकम्स अ डिवोटी। अगर हम भक्त बनते हैं, शुद्ध भक्त बनते हैं, उससे ज्यादा हितकारक हम पूरे ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गिव आवरसेल्व्स एंड द एंटायर यूनिवर्स, दैट वी बिकम डिवोटी। श्रीमद् भागवत में भी इसका बहुत सुंदर, सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः। नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु, लोग नहीं जानते स्वार्थ गति ही विष्णु, सबसे मूलभूत स्वार्थ है विष्णु गति। क्यों? दुराशया, उनकी आशाएं इस संसार में आकर के भगवान को प्राप्त करने की नहीं, इस संसार के ऐहिक भोगों को भोगने की है, इसीलिए दुराशय। बहिरअर्थमानिनः, इसीलिए वो अपने से बाहर आनंद ढूंढता है। एक योगी आंतरिक आनंद की खोज में है, एक भोगी बाह्य आनंद की खोज में है, ये दोनों के बीच का अंतर है। योगी आंतरिक आनंद खोजता है, भोगी बाह्य आनंद खोजता है। तो बाह्य आनंद में क्या प्रॉब्लम है, भगवान हमें बताए हैं बहुत सुंदर रूप से भगवद गीता में, अंतवंतु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। अल्टीमेटली जो बाह्य कारणों से फल आते हैं, अंतवंतः भगवान भगवद गीता में कहते हैं, आदि अंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। कृष्णा इज रिपीटेडली टेलिंग इन मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो परमानेंट हैप्पीनेस। भौतिक जगत में शाश्वत आनंद नहीं है, नहीं है। तो जब तक हम इस अचित असत और निरानंद जगत में शाश्वत आनंद ढूंढने का प्रयास करेंगे, इट इज एन इनकम्पैटिबल सिचुएशन। इट इज लाइक मैं मछली को बाहर लाता हूं पानी के और उसको लैम्बोर्गिनी में, एसी लैम्बोर्गिनी में लेकर के 450 किलोमीटर पर आवर पे घूम रहा हूं। अरे लेकिन वो मछली बोलेगी, यार मुझे पानी चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी में बैठ करके 450 किलोमीटर पर आवर घूमने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे पहले पानी में डालो। yes. हम उसे बास्किन रॉबिन्स का बेस्ट आइसक्रीम देंगे तो भी मछली यही बोलेगी। हम उसको गोवा के बेस्ट डांस बार में लेके जाएंगे और गोवा की बेस्ट फेनी पिलाएंगे तो भी मछली यही बोलेगी, पहले भाई पानी में डालो। उसी प्रकार हमें, हम आत्मा हैं, एक्चुअली हमारा अस्तित्व आत्मा के रूप में है। हम आ करके यहाँ पे इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इस तरह के भोगों के पीछे भाग रहे, लेकिन मन कहता नहीं मुझे पहले भक्ति दो और कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट कृष्णा, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। यस, मन कह रहा है, मन खुश क्यों नहीं है? वाई एवरीबडी सफरिंग, क्यों हर कोई दुख भोग रहा है, हर कोई दुख भोग रहा है, हर कोई जो प्लास्टिक स्माइल लेके घूमता हुआ चेहरा आपको रास्ते पर दिखता है
थोड़ा सा उसके हृदय में खरोच करके देखिए, असीम दुखों से जूझ रहा है, असीम दुखों से जूझ रहा है। और किसी ने नहीं कहा उसे दुखों से जूझो, किसी ने नहीं कहा, वो खुद जूझ रहा है। क्यों? दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः, आशा उसकी अलग है, इंद्रिय भोग मनोभोग ऐहिक उपभोग चाहता है, बहिर अर्थ मानिनः बाह्य सुखों के उपभोग की आशा है, आंतर मन में वो नहीं डूबना चाहता। तो भगवान दक्ष को कहते हैं, भगवान ने दक्ष को कहना शुरू किया, he started speaking to Daksha in a very pleasing attitude. This is very important. भगवान जहां पर भी है, he speaks in a very pleasing attitude. वो डांटते भी ऐसे हैं जोर का झटका धीरे से लगे, he is always very pleasing. श्लोक क्रमांक 50, भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अहम् ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परं आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग् विशेषणः। लॉर्ड विष्णु रिप्लाइंग, ब्रह्मा लॉर्ड शिवा एंड आई आर द सुप्रीम कॉज ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशंस, I am the super soul, the self-sufficient witness. But impersonally, there is no me, difference between me, Brahma, and Lord Shiva. वे कहते हैं, अरे भगवान अपने गुण अवतारों के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, ये भगवान कृष्ण के गुण अवतार हैं। प्रकृति के तीन गुणों का संचालन करने के लिए भगवान इन तीन रूपों में आते हैं। सो विष्णु इज द कारक और ऑफ सत्व और कंट्रोलर ऑफ सत्व, शिवा इज द कंट्रोलर ऑफ तमस, ब्रह्मा जी इज द कंट्रोलर ऑफ रजस। तो भगवान कहते हैं, मैं ही आता हूं इन तीन, एक्चुअली मैं ही हूं इन तीनों रूपों में, लेकिन इम्पर्सनली मैं हूं, पर्सनली मैं नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पर्सनली, व्हाट इज इम्पर्सनल, इम्पर्सनल मीन स्ट्रेंथ। सो शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान ये पर्सनल हो गया, शक्ति ये इम्पर्सनल हो गई। सो भगवान की शक्ति से ही शिव तत्व आता है, भगवान की शक्ति से ही जीव तत्व आता है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है। So it is Krishna's energy which is manifesting as Lord Shiva and Lord Brahma or living entities including all of us. So कल हमने जो फिर से चर्चा की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, भगवान सब कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं। Krishna is everything but everything is not Krishna. अचिंत्य भेद अभेद तत्व। श्लोक क्रमांक 51, आत्ममायां समाविश्य सोहं गुणमयीं द्विज सृजन रक्षन हरन विश्वं दध्रे संज्ञां क्रियोचितां। द लॉर्ड कंटिन्यूड, माय डियर दक्ष द्विज, आई एम द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बट इन ऑर्डर टू क्रिएट मेंटेन एंड अनहिलेट दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन आई एक्ट थ्रू माय मटेरियल एनर्जी and according to different grades of activity. My representations are differently named. हालांकि मैं एक ही हूं, लेकिन इस भौतिक जगत के पालन, संहार और संचालन के लिए मैं अलग अलग रूप लेता रहता हूं, मेरी अलग अलग शक्तियां इसमें कार्यरत रहती हैं। तो भगवान की कई सारी शक्तियां हैं, उसमें से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बल शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान क्रिया और इच्छा, ये तीन प्रमुख शक्तियां हैं।
हम देखते हैं वेदों में ये सुंदर श्लोक आता है, इट गिव्स कृष्णास डेफिनेशन, भगवान का डेफिनेशन देता है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत् समः च अभिदिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उनका उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न तस्य कार्यम, he has no work which is assigned to him, he has no responsibility to perform। न तस्य कार्यम कारणम च, it is never that because something happened Krishna came into existence। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत् सम, उनके बराबर भी कोई नहीं है, अभिधिकश्च दृश्यते, उनसे बड़ा भी कोई नहीं। परा अस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दृष्टि अगोचर है, सब कुछ परा अस्य शक्तिर, भगवान की परा शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां सब कुछ करवा रही हैं। उसमें से तीन कौन सी प्रमुख है? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान बल और क्रिया। सो इस ज्ञान को हम इच्छा शक्ति भी कहते हैं। सो वी हैव ज्ञान बल एंड क्रिया, सब क्रिया शक्ति बल, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीन कार्यों से, तीन शक्तियों से भगवान सभी चीजों को मॉनिटर करते हैं। एंड वी हैव आल्सो सीन कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, संधिनी, संवित और लादिनी। सो भगवान की शक्तियों के कई सारे ग्रेडेशंस हैं, देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ कृष्णा। सो द मूलभूत शक्ति इज कॉल्ड चित्त शक्ति। भगवान की जो मूलभूत शक्ति है वो है चित्त शक्ति। इस चित्त शक्ति के कई प्रकार हैं, इस चित्त शक्ति के कई प्रकार हैं। इन प्रकारों में हम देखते हैं एक प्रकार की शक्ति है ज्ञान बल क्रिया, एक अलग प्रकार की शक्ति है सत संवित संधिनी और लादिनी। सो डिफरेंट ग्रेडेशंस ऑफ कृष्णाज एनर्जी, वो हम कभी विस्तार से अलग टॉपिक है चर्चा कर सकते हैं। यहां पे दक्ष को द्विज करके संबोधित किया गया है। द्विज, ज याने जन्म लेना, द्वि यानी दूसरी बार, ये एक्चुअली दक्ष का द्विज है, ये दक्ष का दूसरा जन्म है। पहली बार दक्ष ब्रह्मा जी के इनसे आए थे, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, उसके बाद में उनका सर कलम कर दिया गया, अब उन्हें बकरे का सर मिला है। एक्चुअली दक्ष अभी द्विज है। श्लोक क्रमांक 52, तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदे नाज्ञो नुपश्यति। द लॉर्ड कंटिन्यूड, वन हु इज नॉट इन प्रॉपर नॉलेज थिंक्स दैट डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा एंड शिवा आर इंडिपेंडेंट, और ही इवन थिंक्स दैट द लिविंग एंटिटीज आर इंडिपेंडेंट। जो सही ज्ञान से अभिभूत नहीं है, भगवान कहते हैं वो सोचता है कि अरे हर कोई स्वतंत्र है। वो यहां तक सोचता है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी स्वतंत्र हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम देखते हैं, हम जो 10 नाम अपराध गाते हैं या कहते हैं सुबह हर मंगल आरती में, उसमें से दूसरा अपराध क्या है? भगवान विष्णु के नाम को या शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम को भगवान विष्णु से स्वतंत्र समझना। सो इंडिपेंडेंटली ऑफ देमसेल्व्स लॉर्ड शिवा एंड ब्रह्मा जी ऑल्सो हैव नो एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। यहां तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग ही समझेंगे कि ब्रह्मा जी और शिव जी या हम सभी स्वतंत्र हैं। एक्चुअली ज्ञानवान व्यक्ति जानता है कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है। श्लोक क्रमांक 53,
यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः. A person with average intelligence does not think the head and other parts of the body to be separate. Similarly, my devotee does not differentiate Vishnu, the all-pervading personality of Godhead, from anything or any living entity. So, एक साधारण इंटेलिजेंस का व्यक्ति, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, एक साधारण इंटेलिजेंस का व्यक्ति भी जानेगा कि सर और धड़ एकत्रित होना चाहिए. अरे क्या प्रॉब्लम है, काम कौन कर रहा है, काम तो हाथ और पैर कर रहे हैं, सर नहीं रहेगा, क्या प्रॉब्लम है, निकाल दो इसको, ट्रक चलेगा क्या, नहीं. एक्चुअली काम कौन कर रहा है, पैर और हाथ ही कर रहे हैं. डाइजेशन का काम कौन कर रहा है, पेट कर रहा है. तो सर क्या कर रहा है, एक्चुअली सर क्रिया के रूप में कुछ नहीं कर रहा, सर ज्ञान के रूप में कर रहा है. हम देखते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग. एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, लाइन इंचार्जेस होते हैं, यस, उसके बाद मैनेजर्स होते हैं. ये सब एक्चुअली शॉप फ्लोर पे काम करते हैं, दौड़ते रहते हैं, मशीन साफ करते रहते हैं, आउटपुट निकालते रहते हैं, पैकिंग देखते रहते हैं, डिस्पैच देखते रहते हैं, सब देखते रहते हैं, दौड़ भाग ये कर रहे हैं. जो प्लांट हेड है वो एक जगह बैठा हुआ है एसी में, वो एक नटबोल्ट इधर से उधर नहीं करता, मतलब करने की जरूरत नहीं है उसे, वो करता होगा लेकिन करने की जरूरत नहीं है उसे, वो एक्सपेक्टेड नहीं है. लेकिन दौड़ धूप करने वाले मशीन ऑपरेटर से लेके मैनेजर तक हर किसी को 50-60 हजार तक का पगार है, 15,000 से 50,000. लेकिन प्लांट हेड दिन भर एसी में, उसको केवल डॉक्यूमेंटेशन देखना है, लेकिन उसको 2 लाख रुपए पगार है. करता क्या है वो, केवल बैठ के पढ़ता रहता है, साइन मारता रहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी हो जाएगा तो द बक स्टॉप्स एट हिम. कुछ भी हो गया, सरकार या कंपनी किसी भी मशीन ऑपरेटर को नहीं पकड़ेगी, वो प्लांट हेड को पकड़ेगी. सारे लीगल, एनवायरमेंटल और क्या क्या, दुनिया भर की जो सारे कंप्लायंसेस हैं, हर एक एम्प्लॉय की सेफ्टी, सब कुछ का उत्तरदायित्व उसके ऊपर है. इतना बोझा लेकर के बैठा हुआ है वो, इसलिए उसको ज्यादा पगार. तो फिजिकल काम करने का पगार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का पगार है. उसी प्रकार हम देखते हैं, फिजिकल काम करते हैं हाथ पैर पेट, ये सब फिजिकल काम करते हैं, एक्चुअली क्रिया. लेकिन ये क्रिया किसके माध्यम से होती है, सर के माध्यम से होती है कि नहीं. अगर सर निकाल दिया जाए, हम कुछ देखेंगे नहीं, कुछ सूंघेंगे नहीं, कुछ टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, तो फिर हाथ और पैर करेंगे क्या. इट इज द सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग दैट इज गिविंग इम्पिटस टू द हैंड्स एंड लेग्स टू वर्क. जस्ट लाइक द प्लांट हेड इज द इम्पिटस, उसके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स, दे आर द इम्पिटस फॉर मशीन ऑपरेटर टू मैनेजर, उनको काम करने के. वैसे ही इस छोटे से सर से जो भी ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं, ये पूरा शरीर केवल उनको फॉलो करता है. तो एक एवरेज आदमी भी जानेगा कि सर कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसको अलग कर सकते हैं क्या, नहीं, बाकी किसी चीज का भी अस्तित्व नहीं होगा. उसी प्रकार से मेरे भक्त जानते हैं कि मैं हर जगह पे परोक्ष रूप से स्थित हूं, सर के जैसे. कोई मुझे मारने आ रहा है, मैं अपना सर आगे नहीं करता, मैं अपने हाथ आगे करता हूं. हाथ आगे करने के लिए ऑर्डर कौन देता है, सर ही देता है. मेरे ऊपर एक शेर आक्रमण करेगा, मैं भागने लगूंगा, ये भागने का ऑर्डर कौन देता है, सर ही देता है. सो अल्टीमेटली सारा धड़ जो है वो सर के द्वारा दिए गए डिक्टेशंस पे कार्य कर रहा है,
जैसे प्लांट का हर एक व्यक्ति प्लांट हेड के द्वारा गए दिए गए डिक्टेशंस पे कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से संपूर्ण चर अचर सृष्टि आध्यात्मिक और भौतिक जगत भगवान के आदेश पर काम कर रही है। कृष्णा और लॉर्ड विष्णु इज लाइक द हेड एंड एवरीथिंग एल्स इज प्रकृति, दे आर सिंपली फॉलोइंग ऑर्डर्स। श्लोक क्रमांक 54, त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिम् अधिगच्छति। द लॉर्ड कंटिन्यूड, वन हु डज नॉट कंसिडर ब्रह्मा विष्णु शिवा और अदर लिविंग एंटिटीज इन जनरल टू बी सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम एंड हु नोज ब्रह्मन एक्चुअली रियलाइजेस पीस, अदर डू नॉट। So, एक तरीके से जब व्यक्ति जानेगा कि भगवान के अंदर और बाकी सारे जीवों, यहां तक कि ब्रह्मा और शिव के अंदर भी कोई भी इन वन सेंस देयर इज नो डिफरेंस, देन ही इज पीसफुल। सो सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, पिछले श्लोक में क्या कहा था, a person with average intelligence does not think that the head and other parts of the body to be separate. Similarly, my devotee does not differentiate Vishnu, the all pervading personality of Godhead, from any other living entity or any other living being. यहाँ पर भगवान एकत्व के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले भगवान ने पृथकत्व के बारे में बताया था। One who is not in proper knowledge thinks that demigods like Brahma and Shiva are independent, or he even thinks that living entities are independent. So shloka 52 talks about prithak bhava. Bhagavan alag hai aur baki jeev aur Brahma ji Shiv ji alag hai. 53 and 54 he talks of ekatva, ananya bhava. Priyam ek hi. So we understand both these to be true. Ye sahi hai. How? जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, कृष्णा इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्णा। भगवान सब कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। सो इन वन सेंस भगवान सब कुछ है एकत्व, सब कुछ भगवान नहीं है पृथकत्व। सो टेक्स्ट 52 वॉज एकत्व and 53 and 54 are prithagatva, there is difference. Sorry, text 52 was prithagatva, text 53 and 54 are ekatva, koi antar nahi hai. So same, bhagwan sab kuch hai lekin sab kuch bhagwan nahi hai. Jo ye jaan lega vyakti wo shanti payega, he'll be happy. So this is the peace formula from Bhagavatam point of view. What is peace formula from Bhagavatam point of view? 4.7.54. Exactly like we have in Bhagavad Gita. Bhoktaham yagya tapasam sarvaloka maheshwaram suhurdha sarvabhutanam gyatvamam shanti mrityadi. So one who understands three things. Bhoktaham yagya tapasam, सारे यज्ञों का उपभोक्ता मैं हूं, सर्वलोक महेश्वरम सारे 14 भुवनों का स्वामी मैं हूं, सुहृद सर्वभूतानाम केवल मैं स्वामी ही नहीं, मैं क्या हूं सभी जीवों का परम हितैषी हितचिंतक हूं शुभ चिंतक हूं। जो ये जानेगा हैप्पी शांति। वैसे यहां भगवान क्या बता रहे हैं 54 में, त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिम् अधिगच्छति। तो जानता है जो कि मैं ब्रह्मा जी शिव जी अल्टीमेटली एक ही हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली, व्हाट लॉर्ड विष्णु इज हिंटिंग एट, आप शिव जी को ऐसे भूत डाल करके घूम रहे हैं इसलिए उनकी चेष्टा मत करो, डोंट फील ही समथिंग लाइक दिस, इट्स अ ग्रेट इंसल्ट। और उसमें वो ब्रह्मा जी को क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि दक्ष
और सारे देवतागण ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं, विष्णु को भी नमस्कार करते हैं, लेकिन शिव जी के बारे में उनके मन में धारणा है ये तो घर भी नहीं है, बबूत लेके वैरागी की तरह घूमता रहता है, क्या है ये? सो दैट्स व्हाई ही इज नाउ सेइंग यू आर मिस्टेकन इफ यू टेक शिवा टू बी एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी जस्ट लाइक यू, यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू लॉर्ड शिवा. सो दिस इज हाउ लॉर्ड विष्णु कल्मिनेट्स. ही कम्स, ही एक्सेप्ट्स द यज्ञ भाग, he gives his instructions. You made a big mistake by thinking Shiva to be ordinary. वहां तक वो conclusion तक लाते हैं भगवान विष्णु कि आपको शिवजी को ordinary नहीं समझना चाहिए, शिवजी और मेरे में और ब्रह्मा जी में कोई अंतर नहीं है, हम तीनों गुण अवतार हैं. So this is how we see भगवान कितने सुंदर रूप से, he speaks so very perfect and in a very pleasing attitude. He is very pleasing attitude. So this is how Krishna is. So यहां पर भगवान ने जो वार्तालाप किया, जो आशीर्वचन दिए, वो समाप्त हुए. श्लोक क्रमांक 55 से मैत्रेय मुनि पर फिर से संवाद जाता है, उसकी चर्चा हम कल से करेंगे. आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.